तो अंधेरी का गोखले ब्रिज दो सालों के लिए बंद होने के कगार पर है। अब बीएमसी ने इस ब्रिज को दो सालों तक बंद रखने का फैसला लिया है। इसकी वजह साफ है क्योंकि पुल जो था वो काफी जर्जर हो चुका है। इस वजह से वाहनों के आवागमन के लिए पुल को बीएमसी ने बंद करने का फैसला किया है। ये कदम कंसल्टेंसी फर्म के सुझाव के बाद आया, जिसे बीएमसी द्वारा हर 6 महीने में पुलों का निरीक्षण करने के लिए कामों पर रखा गया है। कंसल्टेंसी फर्म ने बीएमसी को बताया कि पुल को खतरनाक और असुरक्षित माना गया है और सुझाव दिया है कि इसे सभी यातायात के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए। 2018 में ही गोखले पुल का आधा हिस्सा ढहाया गया था और अब जाकर इस पुल को बंद कर दिया गया है। अंधेरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमित साटम ने बीएमसी प्रमुख इकबाल सिंह चहल को पत्र लिखा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। यानी मुंबई में अब ट्रैफिक की समस्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। गोखले ब्रिज 2 सालों के लिए बंद हो रहा है।